नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। फर्ज करिए कि आप गाड़ी में सफर कर रहे हैं और आपके पास खाने पीने की कोई चीज रखी है। आप कार में आराम से बैठकर वो चीज खाते हैं और उसका कूड़ा चलती गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं और आराम से वहां से निकल जाते हैं। अक्सर ऐसा होता भी है और ऐसे में कोई कार्रवाई भी नहीं होती। लेकिन अब जरा सोचिए कि अगर आपने जो कूड़ा फेंका है और आपने जहां वो कूड़ा फेंका है वहां से आप 70 से 80 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं और आपको वापस आकर वो कूड़ा उठाना पड़े तो क्या होगा? जी हाँ, हैरानी तो होगी, लेकिन दरअसल ऐसा हुआ है। कर्नाटक में गाड़ी से कूड़ा फेंकना दो युवकों को भारी पड़ गया। इस खराब आदत की वजह से न सिर्फ उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ी बल्कि 80 किलोमीटर वापस चलकर अपना कूड़ा भी साफ करना पड़ा। इतना ही नहीं, जहां वो कूड़ा फेंक कर गए थे वहां लोगों को सॉरी भी कहना पड़ा। ये मामला 30 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार दोपहर का है। कैसे हुआ ये सब और क्यों इनको 80 किलोमीटर वापस चलने को मजबूर होना पड़ा, आइए आपको बताते हैं। कर्नाटक के मदिकेरी में दो युवकों ने कार में पिज्जा खाया और डिब्बा सड़क किनारे फेंक कर चले गए। जब वो लोग करीब 80 किलोमीटर चल चुके थे और मदिकेरी टाउन से निकलकर कुर्ग आ चुके थे तो उनके पास एक फोन आया। फोन पर उनसे मदिकेरी में सड़क किनारे पिज्जा के खाली डिब्बों में कूड़ा फेंकने की बात कही गई और वापस आने को कहा गया। उनसे कहा गया कि वो वापस आए और इसे उठाएं। इस पर युवकों ने अपने कुर्ग पहुंचने की बात कही और कूड़ा उठाने से इनकार कर दिया। कुछ ही देर में इन युवकों के पास इतने फोन आए कि इनको वापस आकर अपना कूड़ा उठाना पड़ा। बेंगलोर मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक कोडागु टूरिज्म एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मेडेटीरा थिमाया ने हाईवे के किनारे पर पिज्जा के दो डब्बे देखे। उन्होंने डिब्बों को खोलकर देखा तो उसमें पिज्जा मंगाने वाले युवक का नंबर उनको मिल गया। इस नंबर पर फोन कर बात की तो युवक ने कार से खाली डिब्बा फेंकने की बात मान ली। इस पर उन्होंने युवक से कहा कि वो वापस आए और इस कचरे को साफ करके जाए। इस पर युवक ने वापस आने से इनकार कर दिया। कोडागु टूरिज्म एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मेडेटीरा थिमाया को जब युवक ने दूर निकल जाने की बात कहकर वापस आने से इनकार कर दिया तो उन्होंने सड़क पर पड़े कूड़े की वीडियो बनाई और पुलिस को इसे भेज दी। उन्होंने युवक का नंबर सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया। इसके बाद उस युवक के पास इतने फोन आने लगे कि वो युवक परेशान हो गया और उन दोनों को 80 किलोमीटर वापस आकर उस कूड़े को उठाना पड़ा और साथ ही माफी भी मांगनी पड़ी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।